अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल और आप देख रहे हैं एम जे एच स्टूडियो। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त अब आप ठीक होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है ये सऊदी अरब के हवाले से है। एक काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर मबनी है कि दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले अफराद जिनका पहले से सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस था, वो क्या नया लाइसेंस बनवाएंगे या अपने पुराना जो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था उसी को बहाल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। एक तो ये सवाल है, इसका आपको मैं जवाब दूंगा कि आप क्या आया कि वो वाकई अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं तो उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और दूसरा खुशखबरी है ख्वातीन के लिए जो सऊदी अरब के अंदर विजिट वीज़े पर मौजूद हैं, उनके लिए भी ड्राइविंग पुलिस डिपार्टमेंट ने खुशखबरी सुना दी है। वो खुशखबरी क्या है वो आज की मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सवाल नंबर एक पर, जो क्या है कि दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की अपना पुराना लाइसेंस किस तरह बहाल करवा सकते हैं, उनको कौन से इकदाम करने पड़ेंगे जिनके ऊपर वो अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस बहाल करवा सकेंगे। तो अब हम इस सवाल के ऊपर बात करते हैं। दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की अपना पुराना लाइसेंस बहाल करवा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है। ट्रैफिक पुलिस के जराए का कहना है कि दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की कारकुन अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस नए इकामे पर जारी करवा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मुकीम रह चुके हों और दूसरे वीज़े पर कानूनी तरीके से सऊदी अरब आए, इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए असर नौ तमाम मामलात निपटाने की जरूरत नहीं। गैर मुल्की कारकुनों के पास अगर पुराने लाइसेंस की फोटोकॉपी हो तो उसके जरिए नया लाइसेंस हासिल करने के लिए ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल से रजू करके नए इकामा पर दूसरा लाइसेंस जारी करवा सकता है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मजीद कहा गया कि ऐसे गैर मुल्की जिनके सबका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, इन्हें नए लाइसेंस जारी करवाने के लिए मेडिकल चेकअप कराना होगा, जिसके बाद उन्हें नए इकामा नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। वाजह रहे, एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस से सवाल किया था जिसमें कहा गया था कि उसने अपने लिए बैरून मुल्क से ड्राइवर बुलाया है जिसका लाइसेंस जारी करवाने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए। सवाल में पूछा गया था कि ड्राइवर पहले सऊदी अरब में मुकीम रह चुका है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था जिसे उसके साबिक कफील ने तल्फ कर दिया है। इसका जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानब से कहा गया कि अगर कोई मुमलकत में मुकीम रहा हो और उसने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाया हो उसके रिकॉर्ड इदारे के मरकजी कंप्यूटर में होगा। इस रिकॉर्ड को बहाल कराने के लिए पुराने लाइसेंस की फोटोकॉपी के जरिए नया लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। वाजिया रहे, जब से सऊदी अरब में डिजिटल इकामों का निज़ाम जारी हुआ है कानूनी मामलात में बड़ी आसानियां हुई हैं। गैर मुल्कियों के इकामे के नंबर वही होते हैं जो उनके लाइसेंस का नंबर होगा। इकामा नंबर से किसी भी गैर मुल्की का मुकम्मल डाटा बआसानी मालूम किया जा सकता है। माजी में जब रवायती ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते थे उस वक्त का रिकॉर्ड बहाल करना मुश्किल होता था। कंप्यूटराइज लाइसेंस से लोगों को काफ़ी सहूलत हासिल हो गई है। लाइसेंस की मियाद भी 10 बरस तक बढ़ाई जा सकती है जो दरख्वास्त गुजार की मर्जी पर मुनहसर होता है। अब हम बात करेंगे कि सऊदी अरब पुलिस डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने विजिट वीज़े पर आने वाली खवातीन को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दिया है। विजिट वीज़े पर आने वाली खवातीन इंटरनेशनल लाइसेंस पर गाड़ी चला सकती हैं। सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर आने वाली खवातीन जिनके पास बैन अल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस हों उसी लाइसेंस पर गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। अकाज अखबार ने बाखबर ज़राए के हवाले से लिखा कि सऊदी अरब में 10 शवाल से खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के हवाले से खवातीन के लिए भी वही कवानीन हैं जो मर्दों के लिए मुकर्रर हैं। मुकीम गैर मुल्की खवातीन जिनके पास ऐसा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो जो सऊदी अरब के इदारे ट्रैफिक के लिए काबिल कबूल हो, इन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए खवातीन को भी तमाम मराहिल पूरे करने होंगे। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर लाइसेंस की साइट पर लॉग इन करने के बाद मतलूबा कागजात स्कैन करके जमा करवाए जाएँ, जिसके बाद उन्हें वक्त दिया जाएगा। वक्त मुकर्रर पर ट्रैफिक मुतलका इदारे में जाकर अपनी दस्तावेजात पेश करना होगी जो उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड की थी। कागजात की जांच के बाद उम्मीदवार खातून का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। कामयाब होने पर उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। नाकामी की सूरत में उन्हें ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेना होगा।
राय का कहना है कि इंटरनेशनल लाइसेंस होने की सूरत में भी ड्राइविंग का इम्तिहान लाजमी है। दरियसना आजल वेब न्यूज के मुताबिक अभी तक किसी खातून को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ लाइसेंस हासिल करने की ख्वाहिशमंद खवातीन की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ऐसी खवातीन जिनके पास अमरीकी, यूरोपीय और खलीजी ममालिक का ड्राइविंग लाइसेंस हो, उन्हें सऊदी लाइसेंस तब्दील कराने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। जिनके पास किसी किस्म का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत लेना होगी।